हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो की शुरुआत ना ये गोभी से ही हो रही है, क्योंकि आज सुबह सुबह मैंने सबसे पहले रेसिपी आप लोगों के लिए शूट किया था। मॉर्निंग में ही बनाई थी मैंने ये, तो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ गोभी 65 की रेसिपी, जिसके लिए ये फ्लोरेट्स को अच्छे से मैंने क्लीन करके और उसके बाद इसको सॉल्टी वाटर में थोड़ी देर के लिए रख दिया था। थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते हैं आप, और उसके बाद फिर इसको बॉईल करना है आपको। लगभग 2.5 से 3 मिनट आप इसको बॉईल कर लीजिए, इनका क्रंच बिल्कुल भी नहीं बिगड़ना चाहिए। उसके बाद हम करेंगे मैरिनेशन की तैयारी। तो मैंने यहाँ पे दही लिया है, दही के अंदर ढेर सारा आपको कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालना है, क्योंकि इस रेसिपी में कलर बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर हम इसके अंदर डालेंगे तेल, नमक, हल्दी, थोड़ा सा धनिया का पाउडर जाएगा इसके अंदर, एक छोटा चम्मच से भी कम गरम मसाला। उसके बाद ऐड करेंगे हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट, तो या तो कूट के ऐड कीजिए या पेस्ट फॉर्म में डाल सकते हैं। फिर जाएगा इसके अंदर ढेर सारा धनिया का पत्ता। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, और जितना कॉर्नफ्लोर आप डाल रहे हो उतना ही आपको चावल का आटा इसमें इस्तेमाल करना है। ये बड़ा ही क्रिस्पी क्रिस्पी बनता है, तो इसीलिए चावल का आटा एक अच्छी क्रिस्पीनेस देगा। साथ ही इसमें थोड़ा सा आप लेमन का जूस भी ऐड करें। पहले इसको थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर लें, रफली मिक्स करना है। फिर थोड़ी सी जब गोभी ठंडी हो जाए ना, तब आपको इसमें ऐड करना है। यहाँ पे गोभी को डाल करके आपको अच्छे से मिलाना है, बढ़िया से मैरिनेट करना है, एकदम मसाज देना है 2-3 मिनट के लिए। तभी क्या होता है, ये जो मसाला है ना, ये अच्छे से गोभी के अंदर तक जाता है। 10 से 15 मिनट आप इसको रख सकते हैं, 2-3 घंटा भी रख सकते हैं फ्रिज में, जैसा चाहें, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं रख रही हूँ। 10 मिनट कुछ मैंने इसको छोड़ा है, और उसके बाद करना है इसको डीप फ्राई, और इसके बाद इसमें एक तड़का भी लगता है। तो इसको फ्राई करके निकाल लीजिए, तेज आँच पर, मीडियम हाई फ्लेम पर आपको इसको डालना है, और मीडियम हाई टू मीडियम लो के बीच में आप फ्लक्चुएट करते रहें। जैसे आँच आपको ज़्यादा लगे तो कम कर दें, कम लगे तो ज़्यादा कर दें, बट मेनली ये थोड़ा तेज आँच में ही बनाया जाता है, मतलब हाई फ्लेम नहीं, बट हाँ मीडियम हाई पे आप इसको बनाएं, तो अच्छे से ये गोभी अंदर से पक भी जाती है और बाहर से बहुत ही कुरकुरी करारी सी बनती है। और गोभी 65 के तड़के के लिए जिस ऑयल में हमने इसको फ्राई किया था, वही ऑयल मैंने यहाँ पे ले लिया है। इसके अंदर डाला है मैंने जीरे का तड़का, और साथ ही करी पत्ता डाला है। 8 से 10 करी पत्ता आपको डाल लेना है। मैरिनेशन जो नीचे थाली में बचा हुआ था, वो 1 चम्मच था, उसको डाल करके हल्का सा मैंने भून लिया है, और उसके बाद फिर हम ये गोभी ऐड कर देंगे, और बस इसको बढ़िया तरीके से आप फ्राई कर लें थोड़ी देर, कि ये जो तड़का है जीरा उरा सारा अच्छे से लिपट जाए गोभी के ऊपर। और बस ये हमारा गोभी 65 रेसिपी बहुत ही इजी सिंपल तरीके से तैयार है, और ये मैंने आज टिफ़िन में दिया था, तो कितने अच्छे लग रहे हैं ना, इतने क्रिस्पी, इतने करारे, बहुत ही टेस्टी ये बनके तैयार हुए थे। तो चलिए थोड़ा सा इनको कर देते हैं गार्निश। आज सुबह सुबह का ना और कुछ मैंने बिल्कुल शूट नहीं किया था, ये रेसिपी बना रही थी तो शेयर किया आप लोगों के साथ, इसलिए शुरू में ही आपको मिल गई है एक बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी। इसको बनाइएगा, इसको एज अ स्टार्टर भी आप खाइए, या मेन कोर्स में भी आप इसको रख सकते हो, मतलब और चीज़ों के साथ ओबियसली। तो ये बहुत अच्छे क्रिस्पी क्रिस्पी से बनते हैं, और ये कोई पकौड़े या मंचूरियन जैसा टेस्ट नहीं है, ये बड़ा ही अलग टेस्ट आता है। आज का दिन मेरा सुपर डुपर बिज़ी रहने वाला था, सुपर डुपर बिज़ी, क्योंकि घर की आप देख सकते हैं क्या हालत है। यहाँ पे हम सफाई करवा रहे हैं जितने भी हमारे ग्लासेस वगैरह लगे हुए हैं ना बाहर स्लाइडिंग में उनकी। मैं रेडी हो गई हूँ सिद्धार्थ को लाने के लिए। पूरा घर में, मतलब झाड़ू पोछा कुछ नहीं हुए, पूरा ऊपर में सारे जो ग्लासेस थे ना, एक्चुअली जब मैंने बताया था हम यहाँ शिफ्ट हुए थे, उसके 10 दिन बाद ही यहाँ पे काम शुरू हो गया था, तो जितने भी हमारे ब्रांड न्यू फ्रेश ग्लासेस और जितना भी हमने पेंट करवाया था ग्रिल वगैरह पे, वो सब मैस कर दिया था उन्होंने, क्योंकि पहले तोड़ा है, और तोड़ने में तो खैर डस्टी उड़ती है, बस थोड़ी सीमेंट उड़ती है, लेकिन जो वो गीली सीमेंट से पूरा प्लास्टर हुआ ना बाहर की साइड में, उसने पूरा स्पॉइल कर दिया सारा ग्लासेस एंड ऑल। यहाँ पे देखिए ग्लासेस जो हैं ये सारे, उनको जो पत्ती होती है ना, पत्ती से छुटा छुटा के सीमेंट और यहाँ पे रखा हुआ है। सफाई भी इसीलिए नहीं करवाई क्योंकि पूरा गंदा होना है, तो अभी लंच टाइम में वो लोग गए हुए हैं, और इसी टाइम अभी मैं जा रही हूँ सिद्धार्थ को वापस लेके आऊँगी। तो ये देखिए पूरा धूल धूल, और ऐसी धूल उड़ रही है ना कि
कि ये 10 दिन तक हम साफ नहीं कर पाएंगे, समझो ऐसी डस्ट आ रही है, क्योंकि पूरा सीमेंट का ये था। ये देखिए ये भी नीचे खुला हुआ है पूरा पूरा, मतलब ये सारी क्लीनिंग ना काफ़ी मुश्किल है इसको, क्योंकि ये सारा उड़ उड़ के डस्ट अंदर आ रहा है, तो मेरा घर भी पूरा डस्ट डस्ट हो रखा है। ये सुबह प्लांट्स खरीदे हमने, तो आज का दिन तो समझो ऐसे ही जा रहा है। 3:15 हो रहा है एक्चुअली, और देखो क्या कर पाती हूँ क्या नहीं। आज आप लोगों के लिए मैंने प्लान किया है कि मिठाइयाँ वगैरह मैं बनाऊँगी रक्षाबंधन के लिए। वैसे भी रक्षाबंधन आ रहा है, तो उस उपलक्ष्य में भी मुझे बनानी है कुछ मिठाइयाँ घर पे, तो उसका भी थोड़ा बहुत सामान लेके आना है। तो चलिए पहले सिद्धार्थ को ले आती हूँ, फिर आगे की कहानी आगे देखेंगे कैसे क्या होता है। ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब एक एक घंटे के लिए गायब हो जा रहे हैं, पता नहीं। और अभी मुझे झाड़ू पोछा सब, पूनम को मैंने बोला था सुबह आई थी, तो मैंने कहा था बस झाड़ू पोछा तुम मतलब बाद में करना। बाय द वे पूनम को मैंने बर्तन के लिए फिर से लगा लिया है, क्योंकि किचन में ना डबल डबल खाना बन रहा है। मतलब मैं अपना अलग बनाती हूँ कुछ कुछ, तो बहुत ज़्यादा टाइम मुझे कुकिंग में लग रहा है, तो मुझे ये किचन विचन का टाइम इतना मिल नहीं रहा था, तो उसको फिर से बर्तन के लिए मैंने लगा लिया है। तभी उसने वो आटे वाला खो दिया इतनी तकलीफ़ होती है ना मुझे, जब भी मैं आटा करने जाती हूँ ना तो मुझे उसकी कमी खटकती है आजकल। तो एक तो शोल्डर में मेरे पेन बहुत है, तो ये छोटे छोटे काम भी मेरे लिए बड़े मुश्किल से हो रहे हैं। और ये बाबू की मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, इसको फीवर है तेज। मैंने कहा था इसे आज स्कूल मत जाओ तुम, लेकिन माना नहीं कि नहीं, आज इसका गेम का पीरियड था, क्रिकेट क्लास था, आज चला गया और वापस आया फीवर में। देखो कोई आया क्या? काम तो चल ही रहा था, जो लोग काम कर रहे थे वो कभी आ रहे थे कभी जा रहे थे, कभी एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के लिए गायब भी हो जा रहे थे। तो मतलब जो काम शायद जल्दी हो जाता वो काम होने में पूरा रात का 8:15 बज गया था, तो पूरा दिन ही मेरा घर इतना रेत से भरा हुआ कचकच कचकच था। काफ़ी देर तक तो मैंने सोचा ये सब क्लीन हो जाए, ये लोग चले जाएं काम करके, फिर मैं अपना काम शुरू करूं। बट जैसे जैसे दिन बीतता गया मुझे लगा कि नहीं, मैं अपना काम जो है साइड बाई साइड करती रहती हूँ, क्योंकि ये तो अब लंबा चलने वाला है। तो उधर काम चल रहा है और इधर मुझे बाती बनानी थी मंदिर की। मैं दिया जलाने के लिए ना हमेशा घी की बाती बना के रखती हूँ, बहुत ही कन्वीनियंट होता है, रोज़ बाती बनाने से बेहतर है। और मैं हमेशा शॉर्टकट ही अपनाती हूँ, मैं किसी चीज़ में ज़्यादा तामझाम नहीं करती, चाहे वो रेसिपीज़ हो चाहे डेली लाइफ हो, बहुत ही सॉर्टेड सिंपल और शॉर्टकट रखती हूँ हर चीज़ को। तो यहाँ पे जैसे घी की बाती लोग बनाते हैं, इसके अंदर वैक्स ऐड करते हैं, फिर बाती बना करके और सारी आपको थाली में जमानी होती है और फिर आप उसको रखते हो, या फिर आप किसी सांचे में उसको डाल के रखते हो। मैं ये सब तामझाम नहीं करती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। इतनी अच्छी बाती बनती है कि पूरी जलती हैं। तो यहाँ पर मैंने घी ले कर उनको धीमी आँच पर एकदम चढ़ा दिया था घी को, बिल्कुल आपको तेज आँच नहीं करना है, बस वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और थोड़ा गर्म हो जाए। उसके बाद आपको इसमें बाती ऐड करनी है, और बाती आप कभी भी एकदम से सारी ऐड ना करें, थोड़ी थोड़ी करके ऐड करें, क्योंकि जब ये सोख कर लेगा घी को ना तो आपको समझ नहीं आएगा कि ज़्यादा घी है उसमें या कम घी है। जब भी आप इसमें बाती डालें तो इस चीज़ के लिए मेक श्योर रहें कि आपके पतीले के नीचे 1-2 चम्मच एक्स्ट्रा घी रहे ही रहे, लेफ़्ट ओवर नीचे बचा रहे। अगर वो सारा सोक हो जाता है दैट मीन्स कि घी कम है। और बस यही एक छोटी सी टिप, अगर आप ये याद रखोगे तो आपकी बाती बिल्कुल परफेक्ट बनने वाली है। क्योंकि क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमने सारी बातियाँ डाल दी हैं अंदर और बस घी सारा सोक हो गया तो हो गया, ऐसा होने से क्या होता है बाती में घी तो दिखता है पर वो अच्छी तरीके से फिर जलेंगी नहीं। वो क्या होगा, थोड़ा जल के फिर वो बाती ख़राब हो जाएगी, बुझ जाएगी, बंद हो जाएगी बीच बीच में। अगर आपको एकदम परफेक्ट बाती चाहिए तो उसके लिए यही छोटी सी टिप है कि जब आप देखो ना कि आपके बर्तन में नीचे 1-2 चम्मच स्टिल घी बचा हुआ है और उसको बाती सोक नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स कि एकदम परफेक्ट आपकी बाती बनी। और बस वो ठंडी हो जाए फिर आप किसी भी डब्बे में भर के उसको रख दो, कोई उसको अलग अलग जमाने या सांचे में डालने की ज़रूरत नहीं है, और एकदम परफेक्ट बाती बनेगी। ये एक बार ट्राई करके आप ज़रूर देखिएगा।
बाती बनाने के बाद मैंने अपने मिठाइयों की तैयारी भी स्टार्ट कर दी है। जैसा मैंने बताया कि आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल वाली मिठाइयाँ शेयर करने का मैंने सोचा था। मैंने सामान वगैरह भी सारा मंगा लिया था। मैंने ये सोचा कि काम हो जाए फिर शुरू करूँगी, लेकिन नहीं, फिर मैंने साथ के साथ शुरू कर दिया इधर। तो अभी हम पहली मिठाई जो बना रहे हैं ये है ओरियो लड्डू। तो आप किसी को अगर मेहमान को त्योहारों में ओरियो ऑफ़र करोगे तो उतने अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन सिर्फ 5 मिनट लगा के इनसे अगर लड्डू बना लिए जाएं तो इतनी अच्छी मिठाई हो जाएगी ये। और ये सब नो कुक मिठाइयां हैं दोनों जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कोई गैस जलाने की, कुछ भी गर्म करने की, मावा बनाने की कुछ ज़रूरत नहीं। और इतनी अमेजिंग ये मिठाइयाँ बनके तैयार हुई हैं ना कि बस मज़ा ही आ गया। और आप जब चाहो तब बना सकते हो, क्योंकि ना ही टाइम लगता है ना ही कोई, मैंने इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट रखे हैं जो आपको अरेंज करने पड़े हैं, भाई ये लेके आओ वो लेके आओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ओरियो बिस्किट लिए हैं मैंने, इसकी क्रीम मैंने सेपरेट कर ली है, और जो बिस्किट पार्ट था वो मैं अच्छे से मिक्सी में पाउडर कर लूँगी। और आप चाहो तो और शॉर्टकट अगर इसको करना चाहते हो तो आप क्रीम के साथ भी इसको ब्लेंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं स्टफ्ड ओरियो लड्डूज बनाना चाहती हूँ, तो स्टफिंग के लिए मैंने क्रीम निकाल ली है। उसके बाद हमें चाहिए कंडेंस मिल्क, ये एक स्टिकीनेस प्रोवाइड करता है, और जब हम लड्डू साथ में जोड़ेंगे ना तो अच्छे से जोड़ पाएंगे, एक चिकनाहट आएगी और एक स्वीटनेस भी ऐड होगी। वैसे ओरियो बिस्किट में अलग से ना स्वीटनेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर कंडेंस मिल्क अनस्वीटेंड आता तो आप इसमें वो यूज़ कर लेते, अगर आता होगा तो, मुझे तो नहीं पता है, तो मैंने यही यूज़ किया है। उसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा सिरप डालूँगी, चॉकलेट सिरप आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर चॉकलेट जो होता है उसको मेल्ट करके यूज़ कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट और ऐसे इंग्रेडिएंट को यूज़ कर रही हूँ जो आप सिंपली आपके घर में ही मिल जाए आपको, और नहीं तो आप जाके दुकान से बाहर 2 मिनट में ख़रीद के ले आओ ऐसे। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को करना है आपको अच्छे से मिक्स, और एक डो टाइप का तैयार कर लेना है। कोशिश करें कि सारे जो आपके लड्डू हैं ना वो एक साइज़ के आप कट करके रख लो इस डो को, और जो क्रीम है उसको भी हम इसी तरीके से इक्वल पोर्शन में कट करके रख लेंगे। इससे क्या होगा कि मतलब किसी में कम किसी में ज़्यादा ऐसा स्टफिंग भी नहीं होगा, और आपके लड्डू भी एकदम इक्वल साइज़ के बनेंगे। और बस इनको जैसे हम कोई भी चीज़ को स्टफ़ करते हैं ना, कचौड़ी वचौड़ी, ठीक उसी तरीके से इसको स्टफ़ करना है। अच्छे से बाहर की परत को सील कर दीजिए कि वो अंदर वाला जो स्टफिंग है वो दिखाई ना दे, और इस तरीके से लड्डू हाथ से शेप दे दे के आप रखते जाइए। और क्योंकि ये चॉकलेट के लड्डू हैं तो इनको डेकोरेट करने के लिए कुछ अलग ऐसा मेवा ओवा नहीं चलेगा, क्योंकि जो इसका टेस्ट है उससे सिमिलर ही कुछ आप इसके ऊपर गार्निश कर सकते हो। तो जनरली इसके ऊपर वाइट चॉकलेट से गार्निश किया जाता है, पर जैसा मैंने बताया मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो नहीं करना चाहती कि आपको इंग्रेडिएंट का यहाँ वहाँ से इकट्ठा करना पड़े। अगर वाइट चॉकलेट है तो ये जो मैं पार्ट कर रही हूँ ये आप वाइट चॉकलेट से करो, और नहीं तो इसको सुंदर बनाने के लिए जस्ट ये जो कंडेंस मिल्क होता है ना इसकी ऐसे स्ट्रिंग्स टाइप की बना करके आप इसके ऊपर पोर करते जाओ तो लुक भी आ जाएगा, और अलग से कोई तामझाम आपको करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ना ही वाइट चॉकलेट मेल्ट करने का ना ही लाने का। और चलिए लड्डू ज़रा तोड़ के देख लेते हैं, और आप देखोगे कि अंदर की जो स्टफिंग है कितनी अच्छी लग रही है, मतलब बहुत ही अमेजिंग से लड्डू बने थे। और यहाँ पे इसी तरीके से मैं बनाने जा रही हूँ दूसरी मिठाई, जिसके लिए सारे इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पे निकाल के रख लिए हैं। और इसमें मेन है ये गुलकंद, क्योंकि हम बनाने वाले हैं स्टफ्ड गुलकंद और नारियल के लड्डू, जिसे गुलकंद के लड्डू भी कहा जाता है, गुलकंद के पेड़े आप कह सकते हैं। और इसके तो क्या ही कहने, एकदम लाजवाब बने थे, और जिनको नारियल पसंद आता है उनका तो ये फेवरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे डेसिकेटेड मैंने कोकोनट लिया है, और 1 कप कोकोनट के अंदर आपको 1/4 कप ये कंडेंस मिल्क ऐड करना है। अलग से इसमें और स्वीटनेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इतना मोर देन इनफ है। साथ ही यहाँ पे मैं थोड़ा सा केवड़ा वाटर डाल रही हूँ। वैसे तो इसके अंदर जाता है रोज़ एसेंस, अगर आपके पास है तो वो डालिए, अदरवाइज़ केवड़ा वाटर भी अच्छा काम करेगा, बड़ी अच्छी सी खुशबू और स्वाद आएगा इससे।
यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फूड कलर यूज़ किया है, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डालो, अदरवाइज़ इसको ऐसे ही वाइट आप बनाइए, बड़ा ही अच्छा लगेगा ये बनने के बाद। तो इसके अंदर कई तरह के कलर आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ऑरेंज रखा था तो मैंने वो जो लड्डू वाला कलर होता है वो यूज़ किया है, आप चाहो तो पिंक कर सकते हो, ग्रीन कर सकते हो, चाहो तो लाइट येलो कलर के भी बना सकते हो। कलर तो देखिए स्वाद में कोई अंतर नहीं लाता है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से गूँथ लिया है मैंने और एक डो टाइप का बना लिया है। गुलकंद भी मैंने निकाल करके एक कटोरी में रख लिया है। अब सेम हम इक्वल पोर्शंस में इसको कट करके रख लेंगे और बिल्कुल सेम तरीके से जैसे हमने ओरियो लड्डू बनाए हैं ना, बीच में बाउल शेप देके और अंदर स्टफिंग फिल करके उसको सील करके अच्छे से और गोल करके बनाने, ठीक उसी तरीके का काम इसमें भी करना है। बट लास्ट में हम इसको थोड़ा सा जो ड्राई कोकोनट है, डेसिकेटेड कोकोनट है, उसके ऊपर हम इसको रोल करेंगे एक गार्निश के तौर पे। बट कोकोनट वाली चीज़ों में मेनली ऐसे रोल करके निकाला ही जाता है, वो जो ऊपर कोकोनट के फ्लेक्स होते हैं लगे हुए वो बड़े ही अच्छे लगते हैं देखने में। और बस इस तरीके से आप इसमें रोल कीजिए और इसको एक तरफ रखते रहिए और बस यही तरीका यूज़ करके हम सारे लड्डू बना के रख लेंगे। गार्निशिंग के लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रेटेड पिस्ता यूज़ कर रहे हैं और साथ ही केसर के थोड़े से इस तरीके से आप यूज़ करिए कलियाँ इसमें, बड़ा ही अमेजिंग लगेगा ये, देख के लगेगा ही नहीं कि आपने घर पे बनाया है। किसी को भी आप सर्व करोगे तो खा के और देख के लगेगा कि वाह क्या मिठाई है, ये इतना अच्छा बनता है। और सरप्राइजिंगली इसमें भी कोई आपको कुक करने की ज़रूरत नहीं है, गैस ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स को मिलाना है और ये अमेजिंग से लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे। एंड होपफुली आज की वीडियो में मैं आपको कुछ अच्छे रेसिपी के टिप और आइडियाज़ दे पाई फेस्टिवल्स के लिए। आगे आने वाली वीडियोज़ भी कुछ ऐसी ही रहेंगी, कुछ ना कुछ आपको इसमें ऐसी मिठाइयाँ या चीज़ें मिलेंगी जिनको आप अपने फेस्टिवल्स में इंक्लूड कर सकते हो। डोसा बैटर रखा हुआ था तो यहाँ पे मैंने डोसा बना दिया और सांभर मैंने दोपहर में सांभर और राइस बनाए थे लंच के लिए, क्योंकि थोड़े चटपटे से होते हैं ना तो मुझे लगा सिद्धार्थ को पसंद आएंगे, थोड़ा कोल्ड हो रखा है उसका, तो गर्मा गर्म सांभर पीने में बहुत अच्छा लगता है। तो सांभर और राइस बनाया था तो शाम को मैंने यहाँ पे डोसा बना दिया और सांभर ऑलरेडी रखा हुआ था। हस्बैंड आने में आज बड़ा लेट हुए हैं, अभी तक नहीं आए हैं और अभी अभी जस्ट जो सब भैया लोग हैं वो गए हैं। पूनम आई थी शाम को, अब ना झाड़ू पोछे का भी एक टाइम होता है तो मैंने झाड़ू पोछा, मैंने उसे बोल दिया कि तुम कर लो झाड़ू पोछा, बाद में थोड़ा बहुत जो गंदा होगा मैं देखती रहूँगी। फिर तो झाड़ू पोछा हो गया लेकिन फिर भी कहीं कहीं धूल मिट्टी रेत गिरी हुई थी तो वो सब मैंने फिर क्लीन की, मेनली वैक्यूम से ही मैंने क्लीन किया। फिर भी ना रेत जाती नहीं है, पता नहीं वैक्यूम में भी अच्छे से चढ़ नहीं रही थी, तो फिर थोड़ा पोछा लगाया तब जाके वो सारी रेत ख़त्म हुई है। तो मुझे सिद्धार्थ का रूम भी ठीक करना है क्योंकि वहाँ भी पूरा मंदिर वाला सारा आगे कर दिया था ना, बट अभी फ़िलहाल ड्राइंग रूम में क्योंकि हमें बैठना है तो इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एकदम नीट एंड क्लीन होके सारे जो हमारी विंडोज़ हैं ये लग गई हैं, एकदम बहुत अच्छा लगता है ना शीशे जब अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। इस साइड से तो मैं कर लेती थी लेकिन जो दूसरी साइड है, ग्रिल की दूसरी साइड है या ऊपर वाला भी दूसरी साइड है, वो नहीं पॉसिबल हो पाता था। तो ये सारी क्लीनिंग करी और उसके बाद फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया। हस्बैंड को आने में ना काफ़ी लेट लग गया था, आजकल ऐसे ही काम का प्रेशर काफ़ी है तो बड़ा लेट लेट हो जाता है। तो हम मिल रहे हैं अभी नेक्स्ट मॉर्निंग और अभी मैं अपने 6000 स्टेप कंप्लीट करके आई हूँ। आज हम लोग 5 बजे नहीं बल्कि उठे थे 6:15 बजे, 6 बजे उठे थे,
तो सारा ही वॉक वगैरह लेट लेट हुआ और आज सिद्धार्थ को स्कूल नहीं भेज रही हूँ। हालांकि आज उसका स्कूल था बट भेज नहीं रही हूँ क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। कल जाके वो थोड़ा और बीमार होके आ गया था स्कूल से, तो आज उसकी छुट्टी करवाई है। और सिद्ध की रक्षाबंधन की छुट्टी 31st को है, पहले 30 को थी फिर 31st को है। और वैसे भी रक्षाबंधन मैं 31st को ही सेलिब्रेट करने वाली हूँ। तो आते आते मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, अपना जो मेरा मेथी सौंफ और जीरा वाला वाटर है, दालचीनी वाला, अलग अलग बदल बदल के वो मैं चढ़ा देती हूँ। उसको पीने के आधा घंटा बाद फिर हम यहाँ पे चाय पी रहे हैं। अभी लगभग आधा पौना घंटा निकल चुका है और चाय तो मेरी नहीं छूट रही है। मुझे रिकमेंडेशन है कि आप चाय छोड़ दो, बट मेरी छूट नहीं रही है। कम ज़रूर कर दिया है मैंने उसको, एक बड़ा कप भर के पीना और छोटे कप में भी थोड़ा कम लेके पीना, इतना अंतर हो गया है, बट छूट नहीं रही है क्योंकि चाय इतनी अजीज़, इतनी प्रिय चीज़ है मेरी कि उसको छोड़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा और शायद मैं कभी छोड़ भी ना पाऊँ, बट देखते हैं। तो ये ना कल ऐसे का ऐसा रह गया सब कुछ क्योंकि ये ऑफिस से आए थे लेट, जिसकी वजह से हम ये नहीं कर पाए। उधर का तो मैंने सफाई कर दिया था। एक्चुअली इसको खिसकाना ना मेरे लिए अकेले के लिए पॉसिबल है नहीं। खुलेगा नहीं, खुलेगा खुलेगा, इसको बोला नहीं लॉक ठीक करने के लिए। हाँ आएगा ना आज, बोला है ना ठीक कर देगा। हाँ ये ऐसे खुला खुला कितना अच्छा लगता है। ये हमें ना हटा करके छोटा लेना पड़ेगा। क्या ये हटा करके ले लो, एक साइड बंद है जिसमें से फ्लैश। हाँ तो ये क्योंकि ये विंडो देखो ना एकदम पूरी कांच की विंडो इधर उधर, और धूप भी बहुत अच्छी आती है। ये वाला रख देती हूँ ना, पूरा यहाँ तक ब्लॉक हो जाता है, यहाँ तक नहीं यहाँ तक ब्लॉक हो जाता है, तो ये पूरा हो जाता है। और ब्रेकफास्ट में मैंने यहाँ पे बनाया है बहुत ही सिंपल सा सैंडविच। आज इसके लिए मैंने थोड़ा सा तवे में ही ऐसे तेल डाल दिया और सारी असेंबलिंग मैंने तवे पे ही की है क्योंकि इतना सिंपल सैंडविच है और बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पे मैंने पनीर के छोटे छोटे टुकड़े करके उनको पूरा ऐसे लेयर आउट कर दिया है। थोड़ा सा कैचअप इसके अंदर डाला है, फिर हम इसके अंदर डालेंगे सारे जो इटालियन हर्ब्स होते हैं, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा गार्लिक का पाउडर, ये ज़रूर डालें, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ऊपर से लगाएंगे एक चीज़ का स्लाइस और बस दूसरी ब्रेड इसके ऊपर रख देंगे, ऊपर से थोड़ा सा घी लगा के इसको पलट देंगे। तो इसकी सारी असेंबलिंग वगैरह आपकी तवे पे ही हो जाएगी और क्रिस्पी क्रिस्पी करके आप इसको सेकिए, बड़े ही टेस्टी लगेंगे ये खाने में। सिद्धार्थ जी क्या हाल है तुम्हारे? बेहाल हाल है, इसको सर्दी खांसी हो गई है और फीवर भी आ गया है इसको। अभी तो फीवर नहीं है, कल फीवर था और परसों भी थोड़ा सा फीवर आया था, और इस बार तो पता है अजीब ही रक्षाबंधन पड़ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि कब है कब नहीं है। मतलब कुछ लोग आज भी मना रहे हैं, कुछ लोग कल भी मना रहे हैं, बट मैंने पंडित जी को फ़ोन किया था तो उन्होंने बोला कि आज अभी दिन में तो भद्रा लगा हुआ है तो भद्रा में नहीं राखी बांधते हैं, तो या तो आप 9 बजे के बाद आज बांधो और या फिर कल 9 बजे से पहले, मतलब ये समझो रात रात का ही है। तो मैं तो रक्षाबंधन अपना कल ही करूँगी। उसका रीज़न ये है कि भाई सुबह सुबह वाला मुझे अच्छा लगता है, सुबह सुबह उठो अच्छे से नहा धो के तैयार हो और उसके बाद भगवान जी की पूजा वूजा करो, क्योंकि शाम तक एक तो आप व्रत रह भी नहीं सकते हो और पूरा दिन ही हो जाता है, और दूसरा उतना ठीक नहीं है। जब है कल का मुहूर्त तो मैं कल ही कर रही हूँ, और पंडित जी ने भी यही सजेस्ट किया कि मॉर्निंग में करो ज़्यादा बेहतर है, 9 बजे से पहले कर लो। तो मैं तो जैसे भगवान जी को राखी बांधती हूँ, कृष्ण भगवान जी को, तो मैं कल सुबह कर रही हूँ और देखते हैं आज के क्या प्रोग्राम होंगे, वो आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा ऑब्वियसली। अभी तो मैं जो अभी तक वीडियो चलती आई है उसको जस्ट एंड करना चाह रही थी। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल के एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।